बेटा लास्ट टाइम इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम और कुछ कॉन्सेप्ट भी करवा दिए थे। तो उसमें जो क्वेश्चन कर रहे थे वो 6 क्वेश्चंस हो गए थे, 6 क्वेश्चन हो गए थे और उसी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो कॉपी पेन निकालें, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। आज पहले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद बचा हुआ कॉन्सेप्ट ले लेंगे। पहले सारे क्वेश्चन करना है, बाद में लेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक बेटा? ओके बेटा, बजे शुभम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। आयुष, जय हिंद बेटा। अवनीश, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा। तो ये इंटीग्रल फाइंड करना है, इसके लिए सिंपल सा तरीका है। पहले तो इसको बोलते हैं एलसीएम सेपरेट कर लो, यानी कि डिवाइड कर लो सबको। तो डिवाइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, डिवाइड कर लोगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4, यानी कि ए अपॉन एक्स बचेगा प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस सी अपॉन एक्स की पावर 4 बचेगी। अब इसका इंटीग्रल निकाल लो, ए अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रल हो जाएगा ए लॉग एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का बी अपॉन एक्स। इसको उधर ले जाओगे तो सी अपॉन 3x क्यूब आ जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा सी चेन्नई, सी चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, ब्रजेश सी चेन्नई आंसर बिल्कुल सही है। अनूप दाकर खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो ब्रजेश फर्स्ट का सी नहीं लिखना बेटा, ब्रजेश ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, 7। ब्रजेश, ब्रजेश बघेल बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ऐसा लिखना 7 का सी, 7 का सी है बेटा, ये 7 का सी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रल आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस सी। आंसर हो गया बी बॉम्बे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, भानु धाकर ने बोल दिया है बी, ऐसा लिखना है बेटा 8 का बी। भानु धाकर आप सही है, 8 का बी, 8 बी। अब ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन करना था 8 का बी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 13 की पावर एक्स डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है बेटा, बोलो कितना आंसर इसका आएगा 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो। प्रदीप डाकर ने बोल दिया 9 का ए, 9 का ए। आयुष उपाध्याय ने बोला 9 का ए, बिल्कुल सही है बेटा। तो 9 का आंसर आ गया ए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल बिल्कुल सही है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 का इंटीग्रल बेटा बताओ क्या होना चाहिए। बोलो बेटा इसका आंसर क्या है, 10 का आंसर क्या है, 10 का आंसर बोलो बेटा। वो तो ये तो हो गया 9 का, ये तो हो गया, अभी तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलो कितना है। टेन का आंसर बोलो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया क्या? उपेंद्र कह रहा है ए, 10 का ए। अरुण सिंह तोमर कह रहा है 10 का बी। तो अरुण बेटा तुम्हारा आंसर सही है, बी, बिल्कुल सही आंसर इसका बी। सही आंसर बी है क्योंकि इसको ऐसा लिखोगे तुम पहले साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा वन। और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर होता है माइनस का कॉस टू एक्स, माइनस कॉस टू एक्स। तो माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू, बी आंसर बिल्कुल सही है। तो 10 का बी बिल्कुल सही है, अरुण ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया था, अंशु का भी 10 का बी आ गया, भानु भी कह रहा है 10 का बी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, 10 का बी बिल्कुल सही आंसर है, 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो बेटा इसको देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो क्या है, ये वाला ब्रैकेट को खोल दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ब्रैकेट खोल दिया है, और ये आ गया अपना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको एलसीएम सेपरेट कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस आएगा 2x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रैकेट कट जाएगा, यहाँ पर ये x कट जाएगा, तो ये बच गया 1 अपॉन x का इंटीग्रल हो गया log x, 1 अपॉन x का हो गया log x और प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 tan x। तो log x प्लस 2 tan x, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका बी। तो 11 का आ गया है बी आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़िए, 11 का आंसर बोलो क्या आया, 11 का बी। प्रदीप ने बोला 11 का बी, ब्रजेश ने बोला 11 का बी। तो ये समझ आ गया बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला ब्रैकेट को ओपन करना है ऐसा, उसके बाद एलसीएम सेपरेट करके काट कूट के और इंटीग्रेट कर देना है। 11 का आंसर आ गया बी। विवेक बेटा लेट क्यों ज्वाइन करते हो विवेक, जैन ठीक है बेटा जय हिंद, बट लेट ज्वाइन क्यों किया तुम्हारी, जय हिंद लेट क्यों हो रही है विवेक, जय हिंद इतना लेट क्यों हो रहा है विवेक। चलिए बेटा 11 का बी कपिल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का इंटीग्रल कितना होगा, 12 का आंसर बोलो बेटा क्या है, 12। ओके बेटा विवेक, नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है सुनने आगे बात बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 12, धर्मवीर कह रहे हैं डी, आयुष कह रहे हैं 12 का ए, अमन सिंह कह रहे हैं 12 का डी। तो 12 का डी ठीक है बेटा विवेक, कोई बात नहीं बेटा, नेट की प्रॉब्लम होगी समझ आ गई बात बेटा, अभी आगे बढ़ो। तो अभिषेक ने आंसर दिया है 12 का बी, बाकी सब कह रहे हैं 12 का डी। तो 12 का जो डी आंसर है, वो 12 का जो डी आंसर है वो बेटा हो गया गलत, और सही आंसर है 12 का बी, सही आंसर है 12 का बी। अमन सिंह तोमर बेटा गलती कैसे हो गई, 12 का आंसर ए नहीं है, 12 का आंसर है बी, क्योंकि इस पूरे को ना टी मान लेना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स को टी मान लेना बेटा टी। नरोत्तम ने डी बोल दिया वो गलत है, 12 का डी जो बोल रहा है वो गलत है, 12 का ए बोल दिया वो भी गलत है, 1 माइनस एक्स को टी मान लो, गलतियां हो रही है तो बेटा देख लो सॉल्यूशन, 1 माइनस एक्स को मान लिया टी, तो ये आ गया माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी,
तो ये क्वेश्चन अपना बच जाएगा माइनस और ये डी टी अपॉन अंडर रूट टी, तब इसका आंसर आएगा माइनस तो है ही और वन अपॉन रूट टी का हो जाएगा टू रूट टी, टू रूट टी। समझ आ रही बात क्या? तो 12 का बी आंसर आएगा, 12 का बी। अरुण सिंह तोमर 12 का डी कह रहे हो, गलत है बेटा, 12 का ए जो कहने वाले हैं वो भी गलत है। अभी सही सॉल्यूशन बोर्ड पर लिखा हुआ है अरुण सिंह तोमर। अब ठीक है, बी आंसर सही है, 12 का बी। अरुण अब तुमने बोला है 12 का बी, अब सही है। चलिए बेटा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, dx अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, dx अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट फॉर्म में बताएगा। बोलो 12 का 13 का आंसर क्या है, 13 का आंसर बोलो बेटा, 13 का। अवनीश ने ए बोला, ऐसा ए बोलने से कुछ होगा नहीं बेटा, क्योंकि कमेंट्स कभी कभी लेट आते हैं, तो ऐसा नंबर क्वेश्चन के साथ में नंबर डालना पड़ता है, आंसर के साथ में नंबर। बानु ने बोला 13 का डी, उपेंद्र ने बोला 13 का सी, धर्मवीर ने बोला 13 का सी, अरुण सिंह तोमर ने बोला 13 का डी। तो 13 का जो ए ही आएगा, कौन बोल रहा था 13 का ए आएगा, तो 13 का डी जो बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, वो गलत हो गया बेटा। बी डी ही होगा, विवेक का डी होगा डी, तो बेटा वो गलत हो गया। इसका सही आंसर है सी, 13 का सी, आयुष उपाध्याय 13 का सी सही है, अमन सिंह तोमर 13 का सी सही है बेटा। फॉर्मूला याद कर लो, ये बोला था हमने डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू ए लॉग मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है, फॉर्मूला ऐसा बताया था, प्लस सी होता है। फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला चेक कर लो अमन बेटा, फॉर्मूला चेक कर लो, ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रहता है, फॉर्मूले को बेटा याद कर लो अच्छे से, इंटीग्रल के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अरुण तोमर बेटा क्या कहना चाह रहे हो, चेक करवाओ गुरुजी, क्या चेक क्या करवाओ बेटा। अरुण सिंह तोमर हाँ, अवनीश बेटा गलती हो गई कोई बात नहीं है, अरुण तोमर कह रहे हो चेक करवाओ गुरु, क्या चेक करवाना है बेटा, समझ नहीं आ रही बात तुम्हारी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा स्टाफ का क्वेश्चन हमने करवाया था कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है बेटा, आंसर बोलो उसका, स्टाफ का क्वेश्चन हमने करवाया था कि नहीं, स्टाफ का क्वेश्चन करवाया था कि नहीं, 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बोलो ये करवाया था कि नहीं। बोलो 14 का आंसर बोलो, धर्मवीर ने बोल दिया 14 का सी, अवनीश कह रहे हैं, आदित्य तोमर कह रहे हैं ए, नरोत्तम 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 राजपूत, कमेंट्स आ रहे हैं, टेंशन मत लो बेटा, कमेंट्स तो आ रहे हैं, कभी कभी हम नाम नहीं बोलते वो अलग बात है, पर कमेंट्स आ रहे हैं। और अब सारे बच्चे अब इकट्ठा बोल दिया, सारे बच्चे कह रहे हैं 14 का सी, तो 14 का सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 14 का सी बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन ऐसा अपन कर चुके हैं। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, 14 का सी, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, सीधा फॉर्मूला लगना है। क्वेश्चन नंबर 15,
रणबीर ने आंसर दे दिया ए, अमनी से बोल दिया ए, 15 का ए, x वाई 200, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई 2, a स्क्वायर वाई 2 log x प्लस 100 प्लस x स्क्वायर, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर हो गया बेटा ए, डायरेक्ट फार्मूला है बेटा ए, 15 का ए बिल्कुल सही, तो फार्मूले याद कर लो बेटा, सारे क्वेश्चन अपने आप होते जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं, बाय चांस एक और क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, टाइम लगता है। संतोष सिंह ने बिल्कुल सही बोला, उपेंद्र ने बोला ए, तो जनरली क्वेश्चन सब जल्दी बन जाते हैं इंटीग्रल के भी, कभी कभी बाय चांस एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, सारे क्वेश्चन अब ये तो कॉमन बात है कि सारे क्वेश्चन तो सिंपल नहीं होंगे, एग्जाम में 25 क्वेश्चन मान लो आते हैं, उन 25 में से हाँ बेटा तो सारे क्वेश्चन थोड़े ना सिंपल होते हैं, एक आध तो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, यस बेटा आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये भी फार्मूला है dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बता दिया था ये फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर है, 16 का बी कह रहे हैं सभी, बी कह रहे हैं ओके बेटा, 16 का बी फार्मूला ये तो डायरेक्ट 16 का बी, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल, क्वेश्चन नंबर 17 का बोलो क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 बोलो क्या आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बोलो बेटा क्या है, चलो बेटा देखना चाहो सॉल्यूशन देख लो, x स्क्वायर प्लस 4s को ऐसा लिखो, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, इसको x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 लिख लो, माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दो, इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, ये पूरा कट गया, 1 बच गया, x आ गया माइनस 4 और इसका 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2, तो x माइनस 2 tan इनवर्स x अपॉन 2, x माइनस 2 tan इनवर्स x अपॉन 2, ये आंसर नरोत्तम ने ठीक, अरे अभिषेक बेटा सी क्या कह रहे हो, 17 का सी क्या बोल रहे हो, 17 का सी क्या बोल रहे हो, हाँ बेटा विवेक सही है 17 का ये होगा, अरुण सिंह तोमर ने भी ये बोल दिया है 17 का ए, ये सी कौन बोल रहा था बेटा, सॉल्व कर लिया करो, प्लस माइनस का ध्यान दो, कैलकुलेशन की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, फार्मूला सही होना चाहिए, प्लस माइनस सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट फार्मूले और प्लस माइनस, हाँ बेटा अरुण ये है, चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, नंबर 18 का बोलो बेटा आंसर क्या है, 18 का आंसर बोलो कौन सा है, सही है बेटा वो तो हो गया कोई बात नहीं, अभिषेक गलती हो गई कोई बात नहीं है, अभी आगे बढ़ो बेटा 18 का बोलो, भानु दाकड़ बोल रहे हैं 18 का ए, धर्मवीर कह रहे हैं 18 का ए, अमनीश कह रहे हैं 18 का ए, तो 18 का जो ए है वो हो गया गलत, 18 का ए जो बोला जिन लोगों ने ये हो गया गलत, अब प्रदीप कुमार ने बोल दिया है डी, तो डी तो गलत हो जाएगा शायद, गलत हो जाएगा 18 का डी, गलत हो जाएगा 18 का जो ये कह रहे थे वो गलत है,
हर्षित सिंह ने तो अजीब सी लैंग्वेज में पता नहीं लिख के दिया, 118 पता नहीं क्या लिखा हुआ है। संतोष सिंह 18 का ये जो कह रहे हैं वो गलत है। विवेक ने बोला 18 का बी, अब पता नहीं उसने सॉल्व किया है कि तुक्का लगाया वो नहीं मालूम। विवेक सॉल्व किया है कि तुक्का लगाया है, बोलो बेटा विवेक, क्लियर क्लियर बोलो, क्लियर कमेंट्स लिख के दो, सॉल्व किया है कि तुक्का है? विवेक सॉल्व किया है कि तुक्का? विवेक विवेक बोलो सॉल्व किया है कि तुक्का है? ओके बेटा, ओके अरुण, चलो बेटा अरुण देख लो, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ठीक है, इसको ना ऐसा लिखो, मान लो e की पावर माइनस एक्स का इंटू करते हैं अपन, e की पावर माइनस एक्स का इंटू, तो e की पावर माइनस एक्स इधर आएगा, e की पावर माइनस एक्स ये हो जाएगा प्लस का वन, e की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस एक्स का इंटू कर दिया है। अभी क्या करो इसको, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन को टी पुट कर दो टी, तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी, और अभी ये वाले माइनस को इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये अपना जो बचेगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी, तभी आंसर आएगा माइनस लॉग टी, यानी कि लॉग ऑफ वन प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, तभी आंसर आएगा अपना बी बॉम्बे। ठीक बेटा अरुण, अरुण बेटा, अरुण प्रताप सिंह तोमर, अरुण बेटा ठीक है, हाँ e की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, सही बात है वो। नरोत्तम बेटा ठीक है बेटा भेज देंगे। विवेक कह रहे हैं सॉल्व किया बेटा, अच्छी बात है, अगर सॉल्व करके देख लिया तो बेटा अच्छी बात है, कभी भी तुक्के बुक्के नहीं लगाना बेटा, डाउट में नहीं रखना खुद को और टीचर्स को, डाउट में नहीं रखना, कन्फ्यूजन डाउट हो तो बेटा क्लियर करना, पूछते रहना सर से, अपने गुरुजनों से अपने टीचरों से डाउट्स हो तो पूछते रहना, डाउट में नहीं रहना, तुक्के नहीं लगाना, जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो बेटा पूछना, जैसा अरुण ने बोला सर सॉल्व करके समझा दो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा पूछ लिया करो क्लियर, अपने टीचर से अपने डाउट पूछने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं होती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इस 19 का आंसर बोलो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बोलो बेटा क्या है? नरोत्तम कह रहे हैं 19 का सी, तो 19 का सी तो गलत हो गया बेटा, नरोत्तम बोल रहे हैं 19 का सी गलत है, आयुष ने बोला 19 का डी, तो 19 का डी भी गलत है, 19 का सी गलत है, 19 का डी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। चलो और बोलो, नरोत्तम ने बोला था सी, आयुष ने बोला है डी, दोनों गलत है, पंकज ने बोला है 19 का बी, पंकज ने बोला 19 का बी, वो सही हो सकता है, अरुण सिंह ने बोला है ए, तो अब तो ए और सी रह गया है, अरुण ए और सी रह गया, ए और सी में से देखना है, ए और बी रह गए हैं, ए और बी में से देखना है, और विवेक कह रहा है कि बी है, तो ये बी जो कह रहे हैं वो सही आंसर है, हमें भी लग रहा है कि बी आंसर है, कैसे हो जाएगा बेटा ऐसे देख लो, ये डी एक्स लिखा हुआ है, ये e की पावर एक्स है, इसको लिखो वन अपॉन e की पावर एक्स, और अभी एलसीएम ले लो तो ये e की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, e की पावर एक्स डी एक्स,
और ये हो जाएगा e की पावर x इनटू e की पावर x का स्क्वायर और आप पुट कर देना e की पावर x इक्वल टू t तो e की पावर x dx इक्वल टू dt बन जाएगा तो ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर तो tan इनवर्स t यानी कि tan इनवर्स e की पावर x भी आंसर को सही है तो जो c बोल रहे थे अवनीश सॉल्व करवाओ अभिषेक सिंह ये बोल रहे हो अवनीश ये वाली लैंग्वेज मत यूज किया करो अवनीश ये वाली लैंग्वेज यूज मत किया करो सॉल्व करवाओ ये वाली लैंग्वेज यूज मत किया करो हम बार-बार कहते हैं बेटा बेटा तो तुम भी यूज करोगे सर करवा दीजिए सॉल्व करवा दीजिए अवनीश लैंग्वेज यूज करोगे करवा दीजिए तो बी आंसर है इसका बी समझ आ गया नोट कर लो इसको जरा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन डाउट होगा तो नोट कर लो आदित्य बेटा ए नहीं होगा इसका आंसर बी होगा बी आदित्य तोमर 19 का ए नहीं है 19 का बी है आदित्य अब तो सॉल्व कर दिया बेटा हमने चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं चलो बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है dx upon x plus x log x 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बोलो बेटा कोई बात नहीं बेटा अपनी चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होना चाहिए कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं है अपनी कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ो वो तो जहां भी कोई गलती होती है बच्चों की गलती होती है कुछ भी होता है तो हम तो बस बोल देते हैं वो हमारी एक आदत है कि कभी कुछ गलत दिखता है तो उस पर हम एक्शन लेते हैं हम एक्ट करते हैं ये थोड़ी आदत है तो वही हमने बोल दिया बेटा तो 20 का उपेंद्र कह रहा है सी और अभिषेक कह रहा है बी उपेंद्र कह रहा है सी और अभिषेक कह रहा है बी तो सी गलत है बी गलत है ब्रजेश ने बोला 20 का ए अरुण कह रहा है ए आएगा नहीं ए आएगा अवनीश कह रहा है सी वो गलत है प्रदीप डाकर ने बोला सी वो गलत है सही आंसर उसका है ए नरोत्तम ने बोला ए वो सही है ट्वेंटी का भी शिवम से करवा कह रहे ट्वेंटी का भी गलत है बेटा शिवम से करवा ट्वेंटी का भी गलत है तुम्हारा शिवम से करवा ट्वेंटी का भी गलत है ट्वेंटी का आंसर है ए पंकज राठौर ठीक है मानु जाकर ने बोला ट्वेंटी का ए सही है चलो बेटा देखना देख लो उसको कैसे सॉल्व करना है तो इन दोनों में से क्या है एक्स कॉमन ले लो पहले एक्स कॉमन तो क्या करना बचेगा वन प्लस लॉग एक्स अब 1 प्लस log x को t पुट कर देना 1 प्लस log x इक्वल टू t पुट कर देना 1 प्लस log x इक्वल टू t बात समझ आ रही क्या तो 20 का आंसर क्या आ जाएगा अभी समझ आ गया 20 का आंसर ये आएगा भानु जाकर यस प्रदीप कुमार ताकत क्या 20 सॉल्व क्या 20 सॉल्व क्या सॉल्व करना है कि सॉल्व हो गया हाँ बेटा उपेंद्र सही कह रहे हो एक्स कॉमन लेना है उपेंद्र बेटा सही कह रहे हो कि एक्स कॉमन लेना था उपेंद्र बेटा आप सही कह रहे हो कि एक्स कॉमन लेना था अभिषेक आ गया ये हाँ बेटा चलो कोई कंफ्यूजन डाउट तो नहीं किसी को
यस बेटा ओपन सही है। अरुण सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन की लिस्ट आज खत्म हो रही है, अब आती है बचे कुचे कॉन्सेप्ट पर। चलिए बेटा कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लिखो बेटा, कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट लिखो। कॉन्सेप्ट तो एक तो ये बचा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इंटीग्रल का फॉर्म है। बेटा इंटीग्रल का फॉर्म नोट किया क्या? इंटीग्रल का यस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स नोट कर लो, स्टेप्स फिक्स्ड स्टेप्स होती हैं, नहीं मालूम होगी तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहली स्टेप है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सेकेंड स्टेप में पुट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, एंड प्रोसीड प्रोसीड आगे सॉल्व करना है। हाँ बेटा फार्मूला बनता है, बेटा सही कह रहे हो, भानु जाकर फार्मूला बनता है बेटा, इसको नोट कर लो, ये स्टेप को जरा नोट कर लो, दो एग्जांपल लेंगे इसके, स्टेप नोट कर लो बेटा, स्टेप नोट कर लो, स्टेप नोट कर लिया क्या भानु दाकर? आपने धर्मवीर स्टेप नोट कर ली? सभी बच्चों ने स्टेप नोट कर ली क्या बेटा? स्टेप नोट हो गई क्या? यस। तो बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रल निकालना है तो सबसे पहले डिवाइड किया डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो वन बचा, यहाँ पर आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा वन और इधर आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी ये प्लस वाला केस है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इस वाले केस में पुट करना पड़ेगा माइनस, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी, एक्स का डिफरेंशियल वन हो गया, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल चल रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया डी टी। अब ये वाला टर्म तो चला गया डी टी में, और ये जो टर्म था इसका हमें स्क्वायर करना होता है, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी दोनों साइड का वर्क करना है वर्ग, दोनों साइड का वर्क करना है वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू बचेगा टी स्क्वायर, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर प्लस टू, तो ये जो अपना इंटीग्रल है वो बन गया कितना, ऊपर वाला टर्म हो गया डी टी, डी टी और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर प्लस टू, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस थ्री, तो इसको इंटीग्रेट कर लेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, यानी आंसर इसका आ जाएगा वन अपॉन ए, तो वन अपॉन रूट थ्री,
टेन इनवर्स टी अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन एट इनवर्स एक्स अपॉन एट, टी की वैल्यू पुट कर लेना भाई, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स उसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया क्या? अभिषेक सिंह तुम कह रहा कल से मेरे कमेंट्स सही आने लगेंगे, क्यों बेटा कल से क्यों आएंगे, आज क्या दिक्कत हो रही है, आज कमेंट्स क्यों सही नहीं आ रहे हैं? भानु जाकर कह रहा है कुछ भी नहीं आया समझ में, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई है भानु धाकर? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, इसमें इंटीग्रल थोड़ी किया आपने कुछ जो समझ में नहीं आया भानु धाकर? इसमें हमने कौन सा इंटीग्रल कर दिया जो समझ में नहीं आया? एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, और ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स की पावर फोर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर सब लिखा हुआ है, उसके बाद ये पुट करना है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी, एक्स का डिफरेंशियल वन, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, टी हो गया डी टी, फिर दोनों ओर का वर्क कर दिया है भानु धाकर, कौन सी स्टेप सुनने नहीं आ रही थी? हो गया बेटा कंप्लीट, सुनने आ गया अरुण, अरुण सिंह तोमर बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ समझ में आ गया? ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा समझ में आया कि नहीं? लास्ट में x माइनस वन अपॉन एक्स, तो बेटा बोला तो था पुट करना है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर टी पुट करना है, या x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर टी पुट करना है, तो याद रखना ये प्लस वाले केस में माइनस पुट करना, और यहां अगर माइनस होगा तो प्लस पुट करना, आपको ही रहता है। ठीक, आप आदित्य कह रहे हैं सर एक बार और, चलिए बेटा एक बार और चलते हैं, तो चलो बेटा एक बार और आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, सेम स्टेप है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वही एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये माइनस वाला केस है तो इसीलिए प्लस में पुट करना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर टी, एक्स का डिफरेंशियल वन, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स बराबर डी टी आ गया। अभी इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, प्लस टू बचेगा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस टू, तो ये जो अपना इंटीग्रल है ये तो हो गया था डी टी, ऊपर वाला तो हो गया था डी टी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टू, टी स्क्वायर माइनस टू, प्लस का वन पहले से लिखा हुआ है, तो ये बच गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन टू है तो वन अपॉन टू लॉग टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और टी की वैल्यू पुट करके देख लेना। भारत धाकड़ बोल रहे हैं सर इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं बेटा इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, वो तो एक कॉन्सेप्ट था इसीलिए एक बार बता दिया है कि थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, बाय चांस कहीं कोई क्वेश्चन सामने आए तो थोड़ा सा आइडिया तो रहे कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन होता है सर। जनरली लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सही बात है। तो बेटा अब नहीं समझ आ गया? और भरत बेटा जनरली इतने लेंथी क्वेश्चन आते तो नहीं है, ठीक है ना, बट ये कि हाँ कॉन्सेप्ट था कि एक बार देख लिया अपन ने।
ठीक बेटा, कॉन्सेप्ट तो सुनने आ गया भरत? भरत बेटा कॉन्सेप्ट सुनने आ गया कि नहीं, यस और नो बोलो भरत। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है? कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट तो नहीं है? चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लास्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। हिंदी में कहते हैं खंडसा समाकलन, खंडसह समाकलन प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ये इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल क्या है? ऐसा इंटीग्रल करना है, ये दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो फर्स्ट को ऐसे रखना है इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट dy dx ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज और फिर होल इंटीग्रल प्रोडक्ट रूल। खंडसह समाकलन प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट, प्रदीप तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आइलैंड वाला रूल ही यूज करना है। ब्रजेश बघेल, तो बेटा ये बात समझ आ गई कि नहीं? जिस दिन हमने ये इंटीग्रल स्टार्ट किया था उस दिन सारे टॉपिक्स लिखवा दिए थे, तो यानी कि अभी हमने जानबूझकर पार्शियल फ्रैक्शन छोड़ दिया था, तो अभी तुम्हें मालूम चल गया कि नहीं चल गया कि सर पार्शियल फ्रैक्शन रह गया है अभी तो? ब्रजेश सही है, पहले ही दिन हमने बोल दिया था, लिखवा दिया था, इसीलिए तुम्हें मालूम चल गया ना कि पार्शियल फ्रैक्शन रह गया है, अभी हमने जानबूझ के उसको छोड़ दिया था। तो देखो हमारे टॉपिक लिखने से फायदा है कि नहीं है? तुम्हें मालूम होता है कि क्या रह गया हमारा, क्या हो गया है। तो ये सब मालूम चल जाता है कि नहीं ब्रजेश? तो हमने जो टॉपिक लिखवा दिए थे, तो जो हमारा लिखाने का पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, कैसा है वो तरीका, कि बच्चे को मालूम रहता है कि क्या पढ़ा दिया क्या रह गया है, वो हमारा तरीका जो है, वो जो हमारा स्टाइल है ब्रजेश बताओ, वो जो हमारा स्टाइल है पढ़ाने का वो क्या है, कैसा है पढ़ाने का स्टाइल हमारा, कैसा लगता है ब्रजेश बघेल? जल्दी बताओ कि पढ़ाने का हमारा स्टाइल कैसा है, स्टाइल तरीका। अगर वो हम सारे टॉपिक, तो अगर वो सारे टॉपिक बेटा हम शुरू में नहीं बताते, तो तुम्हें ये याद रहता, तुम्हें पता रहता कि कौन सा टॉपिक रह गया कौन सा हो गया है? क्या तुम्हें ये पता रहता, क्या किसी को पता रहता, किसी को याद रहता कि हाँ ये टॉपिक रह गया है? वो जो हमारा अरुण सिंह तोमर सही कह रहे हैं बेटा, है ना? तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला रह गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें खुद मालूम है। और बेटा देखना चाहो तो देख लो, हम खुद लिस्ट भी लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, हमें मालूम है सब कुछ लिखा हुआ सामने रखा है।
तो वो हमने छोड़ दिया अभी जानबूझ के, कल उसको करवाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन वाले पार्ट को जरा देख लेते हैं आज, और इसमें आईलेट का यूज भी करते हैं, वो भी चाहो तो लिख लो बेटा, आईलेट का यूज करते हैं। आईलेट, आई मीन्स इनवर्स, अगर फंक्शन में अगर इनवर्स है तो उसको फर्स्ट लेना है। एल मीन्स लॉग, अगर लॉग होगा तो उसको लॉग को फर्स्ट लेना है। ए मीन्स एलजेब्रा, एलजेब्रा क्या होता है, एक्स की पावर एन, इनको फर्स्ट लेना। पी मतलब तो मालूम ही है ट्रिग्नोमेट्री, इनको फर्स्ट लेना। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई की पावर एक्स वगैरह, इसको फर्स्ट लेना। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चलता है। सबसे पहले इनवर्स को फर्स्ट लेंगे, फिर लॉग को फर्स्ट लेंगे, फिर एलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। चलिए बेटा राहुल, अगर आप सबको ये तरीका आपका अपना हमारा स्टाइल अच्छा लगता है तो बेटा अच्छी बात है, अगर आपको भी ये हमारा स्टाइल पसंद आता है तो बेटा अच्छा है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसी को फॉलो करते रहेंगे। तो चलिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल तो मान लो ये क्वेश्चन अपना है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन था कि मान लो एक्स साइन एक्स और इसका इंटीग्रल निकालना है, तो ये इसको फर्स्ट लेंगे और इसको लेंगे सेकंड। फर्स्ट ऐसे रहेगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स लिखेंगे डी एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन, ब्रैकेट लगाना, डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ब्रैकेट क्लोज करना, फिर एक बार और इंटीग्रल करना। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशियल वन हो गया, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस हो गया, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा, साइन का इंटीग्रल आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल का सिंपल सा यूज समझ आ गया, प्रोडक्ट रूल जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट से ये एग्जांपल समझ आ गया बेटा सब लोगों को, बेटा ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अगला एग्जांपल लेना बेटा। चलिए बेटा अनूप, अंशु, प्रदीप, अनूप दाकड़, थैंक यू बेटा, हमारा स्टाइल पसंद आने के लिए थैंक यू। अंशु बेटा थैंक यू। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो लॉग एक्स का इंटीग्रल निकालना है, लॉग एक्स का इंटीग्रल, तो लॉग एक्स को यहाँ फर्स्ट लेना और वन समझ के इसको सेकंड ले लेना। तो फर्स्ट ऐसे जाएगा लॉग एक्स और इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी वन का इंटीग्रल एक्स, वन का इंटीग्रल माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स और इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर होल डी एक्स, वन का इंटीग्रल हो गया एक्स, तो एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स डी एक्स, एक्स कट गया तो आ गया एक्स लॉग एक्स माइनस वन बच गया एक्स प्लस सी, तो लॉग एक्स का इंटीग्रल अभिषेक सिंह, ठीक है बेटा, लॉग एक्स का इंटीग्रल क्लियर हुआ। लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या होता है सुनने आ गया, प्रदीप प्रदीप दागर ने बोल दिया एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, रो सही है, तो लॉग एक्स का इंटीग्रल क्लियर हो गया बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, एड एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स,
फोर्थ एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स फिफ्थ इंटीग्रल ऑफ सेक इनवर्स एक्स डीएक्स बेटा ये तीन क्वेश्चन यहां सामने लिखे हुए हैं बेटा तीन क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं एक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बाकी के दो खुद सॉल्व कर लेना और उनके आंसर्स याद कर लेना एग्जाम में ये कभी-कभी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट तो उसका आंसर याद होगा टाइम बच जाएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फार्मूले के जैसे इनको याद कर लेना याद फार्मूले के जैसा समझ के इनको कर लेना याद तो चलो बेटा ये वाला अभी हम समझा दे रहे हैं tan inverse x x inverse x का खुद सॉल्व कर लेना tan inverse x का हम बता दे रहे हैं tan inverse x को लेना फर्स्ट और 1 को लेना सेकंड तो आ गया फर्स्ट tan inverse x और सेकंड 1 का इंटीग्रल हो गया x माइनस इंटीग्रल का साइन tan inverse x का डिफरेंशियल 1 upon 1 plus x square और 1 का इंटीग्रल हो गया x फिर से एक और करना इंटीग्रल dx तो ये आ गया x tan inverse x माइनस ये 1 plus x square को t पुट कर देना उसका डिफरेंशियल ऊपर दिया हुआ x dx चलो पूरा क्लियर लिख लेते हैं 1 plus x square equal to t डिफरेंशियल किया तो 2x dx equal to dt यानी कि x dx equal to आ जाएगा अपना dt upon 2 तो 1 upon 2 बाहर हो जाएगा बचेगा 1 upon t का हो जाएगा log t तो log of 1 plus x square plus c ऐसा आंसर इसका हो सकता है x tan inverse x minus log under root 1 plus x square plus c ये ऐसा भी आंसर इसका हो सकता है कभी x tan inverse x minus 1 by 2 log 1 plus x square बिल्कुल सही है और उसको ऐसा भी लिख सकते हैं x tan inverse x minus 1 by 2 ये बिल्कुल सही है अब से एक सिंह भानु दाकर ने बिल्कुल सही बोला है तो इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बेटा तो चलिए बेटा अभी टाइम है अपने पास अभी जब तक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी जब तक ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करके देखो tan inverse x का इंटीग्रल निकाल के देखो sec inverse x का इंटीग्रल निकाल के देख लो ठीक है ब्रजेश बघेल अंडर रूट कहां से आ गया अंडर रूट यहां से आ गया बेटा ये 1 by 2 log के पहले जो नंबर होता है वो उधर पावर में जाता है तो यानी कि 1 plus x square की पावर 1 by 2 हो जाएगी जिसका मतलब अंडर रूट होता है ब्रजेश बघेल बोलो बात सुन आ रही है कि नहीं ब्रजेश आवाज सुनाई दे रही है बात सुन आ रही है तो ये जो यहां पर 1 upon 2 था वो पावर में जाएगा इसीलिए वो अंडर रूट हो जाएगा ब्रजेश बात क्लियर है क्या बोलो कोई कंफ्यूजन डाउट है क्या ब्रजेश जल्दी बोलो बेटा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होना है कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है ओके बेटा तो फिर ठीक है बेटा मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ थैंक यू फॉर टुडे ओके